हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए तीन साइज़ की नोज़ रिंग की वीडियो लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले आप देख लीजिए डिज़ाइन, फिर मैं पहन कर आपको दिखा ही दूँगी। तो ये सबसे पहले तो स्मॉल साइज है, उसके बाद ये है मीडियम साइज और ये है बिग साइज की नोज़ रिंग। तो ये सभी नाक के छेद में नहीं घुसेंगे, ये ऊपर ऊपर ही रहेंगे, लेकिन मैं इन तीनों को पहन कर दिखाने वाली हूँ। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे यूट्यूब चैनल पे चल रहा है गिव वे, तो आप भी इसमें भाग ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी उसके आपको जवाब देने हैं। तो अप्रैल से लेकर के लास्ट मई तक ये गिव वे का वीडियो चलेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है, करवाना है और आपको कमेंट करना है, जो भी मैं सवाल पूछूँ उसके जवाब देने हैं। या तो मैं बोल के सवाल करूं या तो फिर मैं लिख के सवाल करूं, आपको रिप्लाई करना है। तो चलिए ये तीनों मैं पहन कर दिखाती हूं। जो मेरी गिवे में भाग लेगा उसको मैं अपनी तरफ से नोज रिंग या फिर एंकलेट्स दूंगी, या फिर मेरे पास जो चीज़ें हैं एंकलेट्स या फिर नोज रिंग या फिर ये सभी चीज़ें जो मैं अपने खुद के लिए यूज़ करती हूँ, तो आप उसमें से भी कुछ भी मांग सकते हो। कोई एक गिफ्ट आपके लिए है, या तो आप नया ले सकते हो या फिर मेरे पास अगर कुछ आपको न्यू कलेक्शन में अच्छा लग रहा है तो वो भी आप मांग सकते हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं छोटा वाला नोज रिंग पहनूंगी। तो यहाँ मैं सबसे पहले से ही पहन रखी हूँ सिप्टम रिंग। ये छोटा वाला नोज रिंग है, देख सकते हैं ये स्मॉल साइज है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से ओपन होती है। तो मान लेती हूँ कि मैंने नोज़ में कुछ भी नहीं पहना है, तो सबसे पहले मैं ये बहुत ही छोटू सा पहनकर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये मैं सबसे पहले पहन रही हूँ। अब मैं ये नेक्स्ट पहन रही हूँ। और ये काफ़ी ज़्यादा नाक में चिपक ही गई है, तो इसको मैं पहनूंगी। इसके बाद मैं इसकी कड़ी लगाऊंगी, थोड़ा दूर लगाऊंगी सिर में, ताकि बाद में वो लूज़ होकर नीचे लटक ही जाएगी। ये देखिए, तो ये इस टाइप की दिख रही है। ये वैसे नोज इसमें पहनने वाली है, लेकिन मैं यहाँ पे पहनी हूँ। अब मैं ये वाली पहनूंगी। तो जिनका रिक्वेस्ट है आप बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। ये टूट ना जाए। ये ऐसे खुल जा रही है। बहुत टाइट है और मुझे दर्द भी हो रही है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा दर्द तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। इसको मैं इस तरह से आगे पीछे करूंगी और इस तरह से करूंगी। कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। मेरी नाक कह रही है कितने भी सितम कर लो, हंस हंस के सहेंगे गम। अब ये बड़ी वाली पहनूंगी, इसमें फंस गई है तो इसको निकालूंगी थोड़ा। ये नथिया मैं ली हूँ,
ये नथिया मैं खरीदी हूँ उस वक्त जब मैंने पहली बार करवा चौथ पूजा की थी। करवा चौथ ये भी मैं इस तरह से पहनूंगी, पहले इसको इस तरह से करूंगी। तो ये मैं पहन ली हूँ इतने सारे। ओ हो, अब मैं अच्छी लग रही हूँ ना? मेरे पास बार बार कमेंट आता है कि मैम आप नोज पिन, नोज रिंग, स्मॉल साइज, बिग साइज, इस टाइप से कुछ। तो मुझे मिक्स एंड मैच लगता है, तो बोला जाता है कि मैम इस तरह से आप अगर पहनते हो तो आप सुंदर लगेंगी। तो मैं सुंदर लग रही हूँ ना? तो ये सब देख सकते हैं, अच्छा लग रहा है। इतना सारा पहन के कौन रहेगा? ये तो बहुत भारी लग रहा है, मुझे लग रहा है ना कि देख सकते हैं कि इधर वाली नाक मेरी फूल गई है बहुत। देखिए एकदम भारी लग रही है, मुझे लग रहा है ना कि इस तरफ कुछ ज़्यादा लोड हो गया है, इस तरफ बिल्कुल हल्का हल्का महसूस हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं पहले से ही पहन रखी थी जब मैंने माइग्लेम की वीडियो बनाई थी। तो मेरे पास जितने भी माइग्लेम के प्रोडक्ट्स हैं ना, सभी की मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें भी गिव अवे का एक क्वेश्चन होगा, आप जाकर के देख लीजिएगा और जवाब जरूर दीजिएगा। उसमें जो गिव अवे का क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस आपको जाकर के एक एक लिपस्टिक लेनी है। तो ये देखिए ये डिज़ाइन है, ये ग्रीन कलर की मैं कब खरीदी थी ना, ग्रीन कलर वाली मैं अपने मायके से ली थी डाल्टनगंज से। ये बहुत अच्छी थी। मुझसे कुछ ने पूछा था कि मैं झारखंड में कहाँ से हूँ। मेरा झारखंड में मायका डाल्टनगंज प्लामू में है और ससुराल मेरा है भवनाथपुर गढ़वा खरौंदी, जो भी आप कह सकते हो, तो वहाँ पे है मेरा। और मैं रहती हूँ बनारस में, जैसा कि आप सभी जानते हो, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं पुराने वो सब जानते हैं कि मैं कहाँ से हूँ, कहाँ रहती हूँ, क्या खाती हूँ। क्या खाती हूँ ये तो नहीं मालूम, क्योंकि मैंने कभी बताया ही नहीं कि मुझे क्या क्या खाने में पसंद है, और ना आप लोगों ने कभी पूछा है। तो इतनी भारी भरकम आप लोगों को अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको और भी कुछ रिक्वेस्ट है तो वो बता दीजिएगा। ऐसे मेरे पास सोने की नोज़ पिन और सोने की नथिया के साथ कमेंट आया था। तो देखिए मेरे पास सोने का नोज़ पिन एक ही है और एक तो मैं ये पहन ली हूँ, और इसको मैं ओपन नहीं करूँगी क्योंकि बार बार ओपन और पहनने से ये टूट गया था। और 3 साल बाद मैं अपने हस्बैंड को बोलते रह गई कि इसका पेच ला दीजिए, पेच ला दीजिए। सासू माँ को भी बोली कि पेच ला दीजिए, वो भी लेके गई मार्केट, लेकिन बनवा कर नहीं लाई, ना मेरे हस्बैंड लेकर आए, कभी भी नहीं हो पाया। 3 साल के बाद जब मेरी एक फ्रेंड जा रही थी कि मुझे सड़क पे जाके मुझे नोज़ पिन लेना है कान में पहनने के लिए, तब मैं बोली कि मैं भी चलूँ क्योंकि मुझे इसका काम करना था। फिर मैं गई और इसको बनवाई हूँ और ये नोज़ पिन मैं कान में पहनना शुरू कर दी हूँ दोनों तरफ से। अब मैं इसको रोज़ाना के दिनों में पहनती हूँ। तो अगर आपके पास दो तरह के नोज़ पिन हैं एक जैसे, तो आप कान में पहन सकते हैं और नाक में भी पहन सकते हैं एक जैसा। ऐसा ही नाक में भी ले लीजिए, एक जैसा हो जाएगा। तो एक क्या मैं पहनूँ, एक दो, अंदर वाली तीन, ये चार और ये पांच। तो पांच पहनी हूँ मैं नोज रिंग, सब रिंग है, कोई भी पिन नहीं है, नोज रिंग है। और ये देखने में ऐसी लग रही है, आपको अच्छी लग रही है लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, गिवअवे में भाग लीजिए। चाहे तो आप नोज रिंग या फिर एंकलेट जो भी पसंद है आप मुझसे मांग सकते हो। बैक कैमरे से मैं दिखाती हूँ आपको, बैक कैमरे से कुछ ये देखने पे ऐसी लग रही है। यहाँ पे मैं माइग्लेम का लिपस्टिक लगाई हूँ, मैट लिपस्टिक है जिसके ऊपर मैं लिप ग्लॉस लगाई हूँ, माइग्लेम का के प्ले लिप ग्लॉस। और ये इस तरह से लिपस्टिक साइन कर रही है और ये देखने में कुछ इस तरह से लग रही है। मेरी नाक पूरी एकदम भारी हो चुकी है गहनों से लद कर। ये है मेरे नाक की सज्जा यानी सजावट, मैं अपने नाक को इस तरह से सजाई हूँ। और ये देखने में कुछ इस तरह से दिख रही है, जिसमें पांच नोज रिंग लदे हुए हैं मेरी नाक में और मैं बकर बकर कर रही हूँ। इतना सारा कुछ पहन कर
इसमें से आपको कौन सी नोज रिंग पसंद आ रही है? जो मैंने नाक में पहनी है वो शायद 1000 की है नोज रिंग, जो सोने की है, और जो मैं यहाँ सिप्टम रिंग पहनी हूँ वो मेरा 175 रुपये का है, फ्लिपकार्ट से लिया हुआ। और जो मैं सबसे अंदर पहनी हूँ ना, स्मॉल साइज़ का नोज रिंग, मतलब स्मॉल से भी थोड़ा बड़ा है, जो मीडियम है सेकेंड नंबर पर, तो वो मैं 80 रुपये में ली थी। और उसके ऊपर जो आप देख रहे हो ना, वो शायद मैं 90 रुपये के लिए थी, वो 90 की ही है केवल, ग्रीन वाली। और जो सबसे बड़ी है ना, वो मैं 150 रुपये के लिए थी, तो वो भारी महंगा भी है, काफ़ी बड़ा भी है। चैन लगी हुई है, तीनों में एक जैसी चैन है, आप देख सकते हो, जो बड़ी बड़ी है। तो सभी के प्राइस वगैरह मैं बता दी हूँ, ये सभी आर्टिफिशियल हैं और एक ही बस गोल्ड का है। सिप्टम रिंग मुझे बहुत पसंद आया था, शिपिंग फ्री मुझे मिल रहा था उस वक्त फ्लिपकार्ट पे, तो मैं मंगाई थी। वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया कर दीजिए। तो चलिए अब मैं बारी बारी से इसको खोलती हूँ। काफ़ी ज़्यादा बोझ सहन कर लिया है ये। ये ऑटोमेटिक ही खुल गया। बहुत हल्का लगा, बहुत हल्का। वो पहले ही क्यों गिर गया ये? मैं बारी बारी से इसको निकाल के, मेरे बाल खराब हो जाएंगे। ये एक, दो और तीन, निकल जाओ। तीसरा, ये निकल गई और मेरे बाल भी खराब हो गए। तो ये तीन और ये दो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।